पीएम नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ नौकरशाहों की हुई मैराथन बैठक के दौरान अधिकारियों ने देश के कई राज्यों द्वारा घोषित लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता जताई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में अधिकारियों ने कहा कि ऐसी योजनाएं देश की अर्थव्यवस्था पर खतरा है, अगर इस पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो देश श्रीलंका के रास्ते पर जा सकता है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने कैंप कार्यालय में कई विभागों के सचिवों के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पीएम के प्रधान सचिव पी के मिश्रा, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा समेत केंद्र सरकार के अन्य शीर्ष नौकरशाह शामिल थे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में घोषित लोक लुभावन योजना का हवाला देते हुए दो सचिवों ने कहा, चुनाव के दौरान घोषित फ्री की योजनाएं राज्यों को श्रीलंका बनाने की ओर अग्रसर हैं। गौरतलब है कि वर्तमान समय में श्रीलंका बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। इस समय श्रीलंका सबसे ज्यादा आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका में रसोई गैस, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की किल्लत के कारण लोग लंबे समय तक लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। इसके साथ ही वहाँ पर बिजली कटौती के कारण भी लोग काफी परेशान हैं।